वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम हो गया आपका अफरीन शेख ऑफिशियल ब्लॉग में। आज है मंडे, मंडे का बज रहे हैं 3:30 और अभी मैं गई थी डीमार्ट। डीमार्ट से थोड़ा सा शॉपिंग, थोड़ा सा नहीं, बहुत दिन का था बचा हुआ मेरा शॉपिंग सब ग्रोसरी सब सामान लेके आई। मैंने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं किया, मैंने सोचा चलो घर पर आऊँगी तभी वीडियो बनाना ही है तो वहीं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पर ना कहीं अलाउड रहता है कहीं नहीं, तो फिर मैं कंफर्टेबल भी नहीं रह पाती बहुत लोगों में, इसके लिए मैंने शूट ही नहीं किया। फिर मैं बोली चलो घर पर आऊँगी तभी एक साथ ही शूट करूँगी। तो आज ही मंडे था, इनकी छुट्टी थी, बच्चे भी आए हैं, अली अली आया है, मरियम आई है, याली के कपड़े हैं, याली का दूध पाउडर सब इसने शायद से यहाँ पर गिराया। मैं दूर से देख रही हूँ क्या है वाइट वाइट, तो इसने दूध पाउडर गिराया शायद से। अभी दोनों बच्चे सोए हैं तो हम लोग फटाफट जाके आए डीमार्ट, सामान लेके आए, और ये भी थे मेरे साथ। तो अब ये गए हैं बेलापुर साइड गए हैं, इनका कोई मतलब पहचान में है, उनका बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो उनको देखने के लिए वो चले गए। फ़ोन आया तो वहीं से वहीं निकल गए, वो काफ़ी दूर जाना था खारगर बेलापुर के पास, तो वो बोले तुम जाओ, तो मुझे रिक्शा में बिठा के दिए, मैं सामान लेके आया। वैसे तो उनको पता था सुबह में 12-1 बजे से उनको पता चल गया था, पर निकलना कितने बजे वो कन्फर्म नहीं था। उन्होंने बोला था 3-3:30 बजे निकलेंगे, ऐसा कन्फर्म टाइम नहीं बताया। जैसे सामान वगैरह लेके हम लोग बाहर आए तो कॉल आया कि अभी जाना है तो तू फटाफट आ जा, तो फिर फटाफट जाने के चक्कर में मुझे रिक्शा में बिठाए, फिर हमारी बाइक लेके जाने वाले थे स्टेशन तक, फिर स्टेशन से लगा के फिर मतलब जहाँ जाना है वहाँ पर बाइक लगा के फिर किसी के कार में वो जाने वाले थे, तो फिर कार बाइक भी अली को लेने सुबह में गए थे अम्मी के घर। तो वहाँ पर एक लेडी बहुत लकड़ी वगैरह फोड़ती है, हमारे वो बाजू वाली है, तो उसने खिल्ले विले रखे थे तो बाइक के टायर में खिल्ला चुभ गया और उसका टायर हो गया मतलब पंचर हो गया, तो उन्होंने हवा भरा के लेके आए थे, तो उसने बोला था हवा भरा के देखोगे है सही तो रह जाएगा, पर हम लोग डीमार्ट जाने से रास्ते में ही उसका पंचर निकल गया, मतलब उसका अंदर का ट्यूब गया उसका, तो बाइक ने भी रास्ते में धोखा दे दिया। फिर अभी वो गए पंचर वाले के पास बाइक छोड़ के, फिर अभी वो उसमें काम भी होगा। मेरे को बोले तुम चले जाना घर पे, मैं जा रहा हूँ वहाँ। तो हम लोग आए, आज खाना पीना हम लोगों ने कुछ बनाया भी नहीं, खाया भी नहीं, थोड़ी सी मैगी बनाया था, नाश्ता किया ऐसे ही, वो तो डाइट चल रहे उनका, ओट्स खाया उन्होंने, अभी अंडे बॉईल करके रखे थे आके खाने वाले थे, पर अभी अर्जेंट उनको जाना पड़ा तो रख दूंगी। अभी फटाफट जो भी है सामान आप लोग को दिखाती हूँ, इसके बाद मैं भी चली जाती हूँ मम्मी के वहाँ बच्चों लोग को लेके, क्योंकि अरबी होती है मरियम की 6-6:30-7 बजे होती है, तो उसको छोड़ दूंगी, अली को भी छोड़ दूंगी, फिर शाम में आके फिर कुछ खाना पीना बनाऊंगी। तो चलो मैं अपना जो भी ग्रोसरी हॉल है आप लोग को दिखाती हूँ। और इस बार का 2-3 दिन ही लेट हुआ है, पर ऑलमोस्ट मेरे पास 90% सामान खत्म हो गया था, 90-100% खत्म हो गया था। शक्कर मेरे पास खत्म थी, साबुन, निरमा, कंफर्ट वगैरह सब खत्म था। 2 किलो शक्कर तो मैंने वो इसमें की आती ना नगर सेवक की, जो एक नशिंदे के आते उसके मैंने 2 किलो शक्कर मैंने यूज़ किया। वैसा उसका राशन है मेरे पास, मैदा, रवा, आटा, बिठा, तो वह है रखा हुआ। तो चलो देखो यहाँ पर रखा हुआ है सब सामान, आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या क्या मैं लेके आप लोग को जो जो लेके आई वो फटाफट दिखाती हूँ। मैंने बड़े दिक्कत के साथ में मोबाइल रखी हूँ डब्बा, डब्बे पे बॉटल पे मेरा मोबाइल रखा है, जब भी ना टाइम पास करते फटाफट दिखा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले कॉफ़ी, जो अभी ये डाइट कर रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी रोज पीते हैं, तो एक कॉफ़ी का लेके आई है और एक कोलगेट, 2 कोलगेट के साथ एक ब्रश रहता है वो लेके आए, इनको ब्रश भी हो जाएगा कोलगेट भी हो जाएगा। ये अंजुम के लिए फेस वॉश, लास्ट टाइम भी उसने यही लेके आई थी तो इस टाइम भी मैंने यही लेके आई, कुछ बाय वन गेट वन था शायद से, तो यही लेके आई। फिर देन उसके बाद नमक का पैकेट, नमक तक मेरे पास खत्म हो गया था, पता नहीं इतना शॉर्ट हो गया था, तो मैं फटाफट लेके आई। फिर नमक वमक सा, ये चिकन मसाला एवरेस्ट का लेके आई हूँ, ये हम लोग को लगता है 3 साबुन महीने में, 1 महीने में खत्म हो जाते, 3 लेके आई बड़े बड़े। और ये रिंग का इस बार इतना बड़ा पैकेट लेके, इस बार मैं इसके लिए बहुत परेशान थी, इसके लिए मैंने अभी तक कपड़े भी वॉश नहीं किया, 10-10 के 2 पैकेट लाई उससे मैंने काम किया, फिर इसलिए इसके लिए इतना बड़ा मैंने रिंग लेके आई इस बार। देन उसके बाद इनके लिए इन्होंने लिया है निविया का मैन अंडरआर्म्स रोलर, जो लास्ट टाइम मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर रही नहीं थी तो उनको दे दिया था, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा था, तो इस बार उन्होंने जेंट्स वाला ले किया। तो 1 किलो इस बार मैंने मसूर की दाल लेके आई, क्योंकि इस बार मेरे पास दाल भी खत्म हो गई थी, दोनों दाल खत्म हो गई थी, इसके लिए 1 किलो मसूर की दाल लेके आई हूँ, 1 किलो मूंग की दाल लेके आई हूँ, क्योंकि घर वाले आते वते पहले हम मैं दूर रहती थी तो इतना नहीं होता था, अभी सब हम लोग पास में रहते तो आना जाना चलता रहता, इसके लिए सब मैं सामान ज़्यादा ज़्यादा लेके आई, 1 किलो ये मूंग की दाल भी लेके आई हूँ। और शक्कर मैं लेके आई हूँ 5 किलो, क्योंकि मेरे लास्ट टाइम मैंने 5 किलो शक्कर बराबर मेरे पास यूज़ हो गई थी, इसके लिए मैंने इस बार भी 5 किलो शक्कर लेके आई। और डाइट का चूड़ा जो मैंने बाहर पूछा था 70 रुपये का, वो इतना सा ही तपा, इतना छोटा सा था, कितना ग्राम, 300 या 400 ग्राम था, और ये बाय वन गेट वन फ्री था, तो इसमें से एक मैंने लेके आई है बाय वन गेट वन फ्री में से, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे खाने के लिए, डाइट का भी रहता है और
हल्का फुल्का हो जाता है। देन उसके बाद मैगी, लास्ट टाइम मैगी हमारे लेके आए थे, इस बार खत्म हो गई थी क्योंकि अंजुम ज़्यादातर मैगी खाती थी, उसके लिए मैगी लेके आए। देन उसके बाद फटाफट दिखा देती हूँ, ये बाय वन गेट वन फ्री थे दो, तो ये चाय के साथ खाने के लिए लेके आए। और फटाफट फटाफट क्योंकि मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये काबुला चना, काबुले चने जो लगते हैं वो लेके आ रहे थे लोग। देन जीरा, जीरा पाउडर अभी ख़त्म हुआ है, मुझे बनाना है तो लेके आई हूँ उसके लिए। इस बार मैंने जैम भी लेके, क्योंकि मैं मतलब भाभी आली की मम्मी एक बार लास्ट टाइम आई थी तो पूछ रही थी है क्या, तो उसको लगता रहता आए हुए, तो उसके लिए किसान जैम लेके आई मैं। और ये बाय वन गेट वन फ्री जो रहते चक्री वो पता नहीं किधर है। और ये जीरा जैसे कि ख़त्म हो गया, और इनका डाइट चल रहा है, डाइट के हिसाब से मैंने थोड़ा सामान अलग लेके आए। ये भी मरियम वाली आली है उसके लिए ये एक लेके आई, ये बाय वन गेट वन फ्री की मैंने दो अलग अलग लेके आई तो फ्लेवर। और ये मखाने मैंने लेके, मुझे पता नहीं था मखाने इतने महंगे रहते, ये 180 का इतना है, मुझे लगा सस्ता रहता है पर बड़ा महंगा था, तो मैंने बोला अभी तुम छोटा ले लो बाद में देखेंगे। तो एक मखाने का पैकेट ले लिया। धनिया का पाउडर अभी मुझे ख़त्म हुआ है, मुझे धनिया पाउडर बनाना है। और चिक्की मुझे काफ़ी पसंद है, इसके लिए मैंने ये चिक्की लिया, कौन सी सिंगदाने की चिक्की, जो बारीक सिंगदाना ना होता ना उसकी। और ये काटा ख़त्म हो गया था, इसके लिए काटा लेके आई हूँ। टिशू जो रोटी में डाल के लगते हम लोग को, टिशू लेके आई हूँ। और चाय पत्ती इस बार भी बड़ा लाई थी, लास्ट टाइम भी मैंने बड़ा ही लाई थी, इस बार भी बड़ा ही लेके आई हूँ। पीनट बटर डाइट वाले है अभी, डाइट का जैसा उन्होंने लेके आए बहुत चीज़ें डाइट के, तो उनके लिए पीनट बटर अभी ये मुझे बोला है कि मुझे पीनट बटर दिया करो कम्फर्ट, इस बार कम्फर्ट भी ख़त्म हो गया था। डेट मारने के बाद मेरा वीडियो चालू हुआ, नहीं तो चालू ही नहीं हो रहा था। तो साथ ब साथ एक ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, पूरा महीना चला था तो ये लेके आई मैं। और वेनिला का इसका कुछ अभी बनने वाला है, अभी मैं आप लोग को वीडियो बताऊंगा इसका क्या बताऊंगी क्या बनने वाला है। देन ये अक्का मसूर आधा किलो, और ये मूंग लेके आई आधा किलो, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान हैं, आधा किलो मूंग लेके आई। और ये स्प्रे बॉटल किसी चीज़ के लिए चाहिए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी मुझे क्यों चाहिए, मैंने क्यों लेके आई हूँ, तो ये बॉटल लेके आए। देन उसके बाद एक कपड़े धोने के 6 कश्मीरी, उसके बाद ये घी का गलती से ये एक कॉफ़ी मेकर 69 का ही मैंने अपने लिए फॉर्मल काम के लिए जूता ये बॉक्स लिया है। मेरी अम्मी को डब्बा चाहिए था तो मैं डब्बा लेके आई हूँ। देखो मैं इसमें फ्रेश क्रीम और दो पनीर और ऑयल और दूध का पैकेट है, बस इतना ही था मेरा डीमार्ट का सामान। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर मेरी मंथली ग्रॉसरी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।